जियो 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 मेरे लिए भगवान है, आपके लिए भगवान है और सभी के लिए भगवान है। सबको रोड पे ला दिया, जितने टेलीकॉम कंपनी वाले थे सब रोड पे आ गए। और यार बहुत ही अच्छा काम करा है जियो ने, क्योंकि जब से जियो आया है ना, सभी लोगों के प्लान्स जो हैं, जितने टेलीकॉम कंपनी वाले, जो इंटरनेट का रेट था कितना ज्यादा महंगा था अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा डेटा प्लान हुआ करता था। लेकिन जब से जियो आया है सबकी कमर टूट गई मेरे भाई, सारे रोड पे आ गए हैं, सब सस्ते प्लान कर रहे हैं, जितना हो सकता है सस्ता कर सकता है, और बीएसएनएल तो लग रहा है बेचारा डूब ही जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा जियो के कुछ ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के बारे में जिनको शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा और नहीं जानते होगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम है सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम यूट्यूब चैनल। फैक्ट नंबर वन एंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला फैक्ट, कि आपको पता है कि जियो 2019 के लास्ट आते आते यानी 2019 खत्म होते होते भारत का सबसे नंबर वन टेलीकॉम कंपनी बन जाएगा अभी जो है वो एयरटेल है। तो सबसे कंफ्यूजन मैंने इसीलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लगता है कि जो जियो है वो नंबर वन बन चुका है, बट नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अभी भी है जो एयरटेल बना हुआ है इंडिया नंबर वन टेलीकॉम कंपनी, बट 2019 के लास्ट तक आते आते जो आंकड़े हैं, जो भी रेशियो है, जैसे जैसे पोर्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, जैसे जैसे लोग सिम चेंज करा रहे हैं, उस हिसाब को यही देख के लगता है कि यार जियो जो है 2019 के लास्ट तक इंडिया नंबर वन टेलीकॉम कंपनी बन जाने वाला है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा मजेदार फैक्ट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता थी, बहुत सारे लोगों को ये अभी भी पता है कि जियो नंबर वन बन चुका है। एंड दोस्तों, क्या आपको पता है कि जियो जो है पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा 4G आईपी नेटवर्क है? जी हाँ, इसका मतलब यही कि इसके अंदर नहीं 2G, नहीं 1G, नहीं कुछ भी आता है, डायरेक्ट ये 4G सबसे बड़ा नेटवर्क है। दोस्तों ये तो पता ही होगा कि जियो ऐसा पहला कंपनी है, ऐसा पहला टेलीकॉम कंपनी है जिसने दोस्तों 4G वोल्टी कॉल लाया था। जी हां दोस्तों, कॉलिंग भी आपको वोल्टी 4G यहीं पर आपको देखने को मिलती है दुनिया में, और किसी भी टेलीकॉम कंपनी में ऐसा नहीं था। एंड दोस्तों सबसे बड़ा फैक्ट आपको बता दूं ना, जब जियो आने वाला था तो उससे पहले जितने भी बड़े बड़े एनालिटिक्स, जितने भी बड़े बड़े जो विद्वान कह सकते हैं, वो लोग यही कहना था, उनका यही कहना था कि जो वोल्टी नेटवर्क है ना, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अगर ये एक साथ बहुत ज्यादा यूज किया गया और ये अगर इंडिया में आया तो शायद ये चल नहीं पाएगा, 2-4 दिन चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। सभी लोगों का, बड़े बड़े विद्वानों का यही कहना था, लेकिन वो भी 4G जियो ने कर दिखाया। यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा वोल्टी नेटवर्क बन चुका है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला भारत में, हमको लगता है यही इस टाइम नेटवर्क है। एंड दोस्तों जियो के जो नेटवर्क थे ना, वो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा गड़बड़ तो थी ये मैं मानूंगा, बट यहाँ पे फेल्योर नहीं हुआ ये 4G, और अपना नेटवर्क जो है अब वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। जिन एरिया में नेटवर्क्स नहीं है उनको और ज्यादा अच्छा स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहा है जियो, और बहुत ही ज्यादा हाईली यूजफुल है हमारे लिए भैया, क्योंकि इंटरनेट प्लान इतने सस्ते हो गए, हम बहुत ही जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं। जो वीडियो पहले आपको बहुत टाइम लगते थे अपलोड होने में, वो सारे जल्दी जल्दी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कहूंगा इस वीडियो के अंदर। एंड दोस्तों, क्या आपको पता है जियो के आने से पहले जो डेटा कंजप्शन था इंडिया में, वो 155 रैंक पे आता था, यानी 155वें रैंक पे आता था डेटा कंजप्शन के मामले में इंडिया, बट जियो आने के बाद आपको वो नंबर वन पे मिलेगा। जी हां दोस्तों, जियो जैसे ही आया नंबर वन पे इंडिया पहुंच गया है डेटा कंजप्शन के मामले में, सबसे ज्यादा डेटा भारत में यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा यूजर हो चुके हैं 4G वोल्टी के। और देखते देखते इंडिया ने है जो डेटा कंजप्शन के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, सारे देशों को पीछे छोड़ दिया, नंबर वन पे है जियो की वजह से। एंड दोस्तों, जो जियो के सब्सक्राइबर हैं लगभग एक महीने में 100 करोड़ GB से भी ज्यादा का डेटा कंजप्शन कर रहे हैं। तो यार कुल मिला के जियो के सब्सक्राइबर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से पोर्टेबिलिटी हो रही है, जिस हिसाब से नेटवर्क अच्छे होते जा रहे हैं, जियो के सुविधाएं अच्छी देती जा रही है, और ज्यादा यहां पर चीजें आके निकल के आ रही हैं, और पता नहीं कितनी तमाम चीजें जो है जियो लॉन्च कर रही है, उस हिसाब से यही लग रहा है कि 2020 तक जो है इंडिया नंबर वन टेलीकॉम कंपनी जियो बन के आने वाली है, और आ भी चुकी है आंकड़ों के हिसाब से। तो बस यार इस वीडियो को बस इतना ही, वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, एंड साथ ही साथ प्रेस कर लीजिए बेल आइकन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।